ओ जयमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय की 14 से लेकर 21वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप भी खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय की 14 से लेकर 21वीं आयत तक। हमेशा की तरह हम इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे उर्दू में। और उर्दू में इसका शीर्षक है बदरू से आलूदा लड़के को शिफा। तो आइए देखते हैं 14वीं आयत से। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वह उसे अच्छा न कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेतिकाद और कचरी नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। 17वीं आयत एक बार फिर से। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेएतिकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करता रहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उसे निकल गई और वो लड़का उसी घड़े अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन न होगी। लेकिन ये किस्म दुआ और रोजे के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हम देखेंगे इन्हीं सब बातों को हिंदी में, और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय की 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, और इसका शीर्षक है दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। और 14वीं आयत में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह पर है और वहां पर काफी भीड़ लगी हुई है, और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आकर यीशु के पाँव में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु मुझ पे दया कर, मेरा बेटा है उसको मिर्गी की तकलीफ है, बार बार उसके मिर्गी के दौरे आते हैं और इतने तेज दौरे आते हैं कि वो आग और पानी में भी कई बार गिर जाता है। मैं इसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। और इसके अलावा एक बात और कहनी है यीशु मसीह जी की, आपके चेलों के पास भी मैं लेकर आया, कई बार लेकर आया, उन्होंने प्रार्थना भी की लेकिन वो इसमें से निकल नहीं पाई। दुष्ट आत्मा को वो आपके चेले इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, मिर्गी के दौरे को आपके चेले ठीक नहीं कर पाए। 17वीं आयत में यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को से नाराज होकर कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। और कहा कि मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, कहने का मतलब यह है कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ कि तुम बार बार मरीजों को मेरे पास ले आते हो, और शारीरिक रूप से मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको चंगाई प्रदान करता रहूंगा। 18वीं आयत कहती है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उनमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। फिर यीशु मसीह के पास जब उस लड़के को लाया गया तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को जो उसके अंदर थी डांटा और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया, लड़का उसी समय ठीक हो गया। और 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो चेले यीशु मसीह को एकांत में पूछने लगे, यीशु मसीह थी क्या कारण है। उस आदमी ने भी आपको बताया कि हमने भी उसके लिए दुआ की, प्रार्थना की और बहुत कोशिश की उस दुष्ट आत्मा को निकालने की, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सके, हम क्यों नहीं निकाल सके, जबकि आपके आपके पास आते हुए दुष्ट आत्मा निकलकर भाग खड़ी हुई।
20वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर चला जा तो वह चला जाएगा और कोई कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। तो यहाँ पर इस मसीह बताते कि तुम्हारे विश्वास की घटी कारण, तुम मेरे साथ रहते हो फिर भी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस इतना विश्वास नहीं है कि तुम इस काम को कर सकोगे, और इसी विश्वास की घटी के कारण तुम्हारे कार्य है वो अधूरे रहते हैं। तुम पहले अपने आप अपने विश्वास को जगाओ और जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा विश्वास जाग गया तो इस पहाड़ से भी कहोगे कि यहाँ से उखड़ कर वहां गिर जा तो वो गिर जाएगा। जरूरत है अपने अंदर थोड़े से विश्वास को जगाने की, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है कि जो जिस जाति की जिस प्रजाति की इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो बगैर विशेष प्रतिक्रिया के या बगैर उपवास के या प्रार्थना के नहीं निकलती। परमेश्वर का वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की जय।